और दूध में मिक्स करें और सर्दियों में आप उसको पिए। अच्छा, गले के लिए अच्छा। ये कभी आपने इनको बताया था या करूंगी या आप लोगों ने आपस में कभी शेयर की बात है? आप लोगों ने नहीं है, कभी नहीं। आज पहली दफा ये जी बता रहे। आप लोग तो कोई शो वगैरह नहीं कर सकते कभी? और कभी ये कुछ और करते हैं, एक आखिरी पिक्चर देखते हैं उसके बाद। हाँ तो दान, अब बचा क्या है? दोबारा एक चीजें याद, चलो सब वापस रख लो दोबारा। एक एक तो तुक्का आपका सही रहना चाहिए आपको। वैसे तीन दो सवाल के जवाब तो ठीक थे, एक अकल के नाखून और एक वैक्स की गोली। सलमान समी खान, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, सोचे क्या होगा। ये भी है। हाँ, इन्होंने तो बात कही थी उसकी, तो यही है। बेगम ने सारे घर ले लिए पैसे दे के। अब तो सेट है ना वो, ठीक है। इन्होंने अमेरिका अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया था कि जितना खाया है वो निकाल दो। बाय द वे इन्होंने एनर्ज जो दी थी बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हमने आवाज हिमेश को दिया, वो दोनों गलत दिया हमने। हाँ, क्योंकि हमें नाक से गाता है और बादाम मैंने शायद गोदी को दिए थे। आपको बैठ के खेलना चाहिए था, उनको गेस्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन अच्छा है दोनों के, है ना? वो है घर में बैठ के कर सकते हैं आप लोग, ये चीज नॉट बैड है आप लोगों को एटलीस्ट। नहीं, लेकिन हम लोग बिल्कुल एक ही सोचते हैं, जैसे जब भी हम किसी इवेंट पे जाते हैं 90% हम लोग एक कपड़े पहने हुए होते हैं। नहीं भाई, एक तरह के जूते, एक कलर भी। तो आप लोगों ने इवेंट्स पे सर जाना छोड़ दिया होगा। अपने तीन बच्चों के और ये दो बच्चों के बाप हैं बेसिकली, और ये भी बड़ा जरूरी है। सर की बननी क्या करें भैया, हम लेते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और गाना कोई से भी, जो कि लोग बेशुमार जो है यहाँ पे जब भी स्प्रिंग्स एक तो आता ईद का चांद हो जाते हैं आप लोग। अभी आप लोग आएंगे गाने के बाद, फिर आप लोग फिर गायब हो जाएंगे लंबे अरसे के लिए। तो जब आप आएगी हैं तो डेफिनेटली लोग बेशुमार गाने सुनना चाहते हैं। छाए 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 उसकी जुल्फें खुली तो लगायो मुझे घटा छाए 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 घटा छाई तो दिल की गली में बिछे तेरे साए 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 साए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे। एक झोंका झुके गुजरा चहके तो छुपके से दिल ने कहा कोई आए 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 आए। उसकी जुल्फें खुली तो लगायूं मुझे घटा छाए 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 छाए। हमारे पास आज के सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं, सॉरी आज का सवाल मैं आपको बता दूं कि बेटर चेंज आप क्या लेकर आ सकते हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, महबूब रजा जरा सवाल करने दीजिए। जीबा लॉन में आपको अपनी तरफ से दूंगी, अमानी आपको देगा जी। हमारे पास 5 अदद बुकलेट्स हैं और ये मैं वापस नहीं, हमारे पास खुली हुई रखी हुई है। आप अखबारों में से इनकी पिक्चर्स काटते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट, आप कंप्यूटर से प्रिंट निकालते होंगे, मगर हमारे पास ये पूरी बुकलेट है इनकी, और जो डाई हार्ट फैन है वो ये जीत सकते हैं, मगर जवाब अब इनके सिग्नेचर्स के साथ, मगर जवाब तो सर जरूरी बनता है ना। तो H2HS पे तो नाम लिख के मैसेज करें 881 पर। जवाब को लॉजिकल दीजिएगा, कोई ऐसा हो कि जिसमें वाकई कुछ चेंज नजर आई, ना हो कि आप कुछ भी लिखते हैं कि यार फलां को उड़ा दो फलां को उड़ा दो, ये आसान है करना। नहीं वैसे ये भी मुश्किल है ये भी तो नहीं हो रहा। ब्रेक 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 हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो।
हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जब वो क्लोज है जब बोला तो मैं स्लो मोशन भाई तभी अब जो स्किल हम आपकी करवाने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने एक आर्ट स्कूल से स्टार्ट किया था एक साथ आप लोगों ने नहीं इन्होंने आपने सही आपने कभी नहीं किया नहीं लेकिन अरे वाह मेरे लिए कॉफी आई है बनके ऐसी है कि अजीब सी बात कर मुझे तो बाहर निकाल लिया जाए स्कूल से लेकिन अगर फर्स्ट करें अगर आप आर्टिस्ट होते और आपको एक्सप्रेस करना पड़ता कुछ तो आप ऐसे करते जैसे कि अभी आप करने वाले हैं लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि बगैर कुछ बोले इनकी जबान से कुछ नहीं निकलेगा आपने वो समझ लेना कि वो क्या मूवमेंट है सामने पर्चियां पड़ी हैं चार पहली पर्ची निकालेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस आप हैं आपने क्योंकि आर्ट स्कूल से पढ़ा हुआ है आप निकालें और वो मूवमेंट समझाएं मूवमेंट क्या है या चीज क्या है आप इधर इधर आ जाएं लेकिन मुझे इधर से ड्रॉ करना ये आपको इनकी पर्ची निकाल दें आप इनका सर नजर लाया अच्छा तो मुझे भी दिखा दीजिएगा वो टेलीविजन पे भी चल जाएगी जी बस दिल में पढ़ लेना प्लीज चलिए जी यहाँ पे तो इनका आर्ट जो है यहाँ पे काम आएगा एक आर्टिस्ट अच्छा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसमें एक वर्ड है वो चीज इन्होंने एक्सप्लेन करनी है इस बोर्ड पे और इन्होंने वो चीज पकड़नी है वर्ड जो ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये वर्ड एक बस ये अब आपको बिलाल थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे मगर बताएं कि वो क्या चीज़ है ये कोई ऑब्जेक्ट है ये एक सानिया है नहीं एक ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है कोई सिचुएशन कोई चीज़ का नाम है कोई कैरेक्टर है जिसके साथ कुछ हुआ है अब आपने वो गेस करना है उसके साथ हुआ क्या है चलिए इतना तो हिंट दे रहे हैं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा वर्णन के लिए चलिए हम गेस करते हैं सर नहीं मैम कब्रिस्तान में कब्र है अंदर डेड बॉडी और ये पादरी है रूह है गोस्ट अच्छा ये एक माई चुड़ैल माई ये औरत औरत मर्द औरत और मर्द इस कब्रिस्तान में दफन है मरे दफन है मुर्दा औरत ये एक सिचुएशन है ना औरत ने मर्द को मार दिया यार ये जो बंदा है ये कौन है ये शोहर है सही है ये उसकी बीवी है बिल्कुल सही है मियाँ मरा हुआ है बीवी कौन है अच्छा मियाँ मरा हुआ है और बीवी कौन है मियाँ मरा हुआ है बीवी कौन है ये रियल कैरेक्टर हाँ रियल मियाँ मर गया तो बीवी कौन हुई बीवा यार कसम से बड़ा आला था Wow. Oh my God! Oh my God! इसने कितना अच्छा बनाया था। Good job. Very nice. Lord, क्या clapping for Bilal? Please. बालिया। अरे मैं बालिया। हाँ मिस्टर है यार। पादरी पहले बालिया। बुरा था पादरी। मैं समझ रहा कोई बकरी बकरा टाइप चीज बनानी होगी। देवा बना। चले आप आए। सब की बारी। अरे my God. मेरी तो मौत ही हो गई ना। ओके जी। ये आपको भी उठा Amazing. बस पढ़ो अरे आदमी दाढ़ी दाढ़ी शेव छोटी दाढ़ी अच्छा दाढ़ी के अंदर क्या है
खत खत गाड़ी का खत बनाते हैं. अच्छा खत 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 गाड़ी के अंदर क्या है? जुए. इसी में दाढ़ी में ही लगा दे रहा हूँ. अच्छा रेजर. अच्छा इसका मतलब दाढ़ी के अंदर जाता है कंघी. ट्रिमर. मैं देखो दाढ़ी तो समझ आ गई. दाढ़ी के अंदर दाढ़ी के अंदर एक चीज नहीं नहीं बोल तो सकते नहीं किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आदमी टोपी हैट लिख नहीं सकते. दाढ़ी तक पहुंची थी. दाढ़ी तक तो पहुंची. दाढ़ी में कुछ गेम है. दाढ़ी में क्यों गेम है? इसका मतलब तेजी से कोई चीज अंदर गई है. नहीं ये आखिरी. अच्छा ये क्या चीज है? दाढ़ी ये मैं ऑन एयर बोल सकता हूँ? झाड़ू लग रहा है मुझे. झाड़ू. हाँ पिनका. हाँ चोर की दाढ़ी में. yeah, yeah! चलिए लास्ट है आपका. ये बड़ा आला है वैसे बाय द वे. नॉट बैड. ये हमारी प्रोड्यूसर साहब और हमारे राइटर साहब. हाँ बिलाल इनको करना क्या चाहिए वैसे आपके सामने अगर आप होते तो? देखो पहले तो इनको मुझे बताना चाहिए था कि ये आदमी चोर है. अब मुझे किसी भी तरीके से उन्होंने पुलिस बनाया था. आपने पुलिस बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना सकता. दाढ़ी एक आसान चीज. शुक्र दाढ़ी मिल गई. हाँ उन्होंने कुछ और था तो पहले उसने. अब मैं झाड़ू बनानी चाहिए थी. देखो झाड़ू जैसे एंड में बनाई लेकिन झाड़ू तो मैंने बताया आपको. हाँ चलो जी ये आखिरी है और देखते हैं इसमें क्या होगा. आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो. ये अच्छा ये और भी अच्छा. अच्छा ये पढ़ते हैं. पढ़ तो नहीं सकते. ये पढ़ अच्छा है. बहुत मजे का है. चलो जी आपको शुरू से गेस करना है. ये शावर ले रहा है बंदा. नहा रहा है. नहाते हुए गाना गा रहा है. बाथरूम में गाना. दूसरा गाना बाथरूम में. बाथरूम सिंगर. वेरी नाइस इम्प्रेसिव.